जब भी पहली बार दोहा कतर आते हैं तो आपको ये सब जानकारी लेना चाहिए। अगर आप पहली बार दोहा कतर आ रहे हैं और इससे पहले मैं सऊदी गया था और 4 साल रहा और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता कि भाई लेडीज़ टेलर का आप बताओ, लेडीज़ टेलर का सैलरी कितना है और ड्यूटी कितना है। और तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आपका फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वक्त मैं दोहा कतर में हूं और सिलाई करता हूं, आप लोग तो जानते ही हो, क्योंकि दोहा कतर में भाई कोई भी बंदा जो भी सिलाई करता है या और काम करता है उस पर तो आप लोग वीडियो मिल जाता होगा देखने के लिए, लेकिन सिलाई काम के लिए आप लोगों को वीडियो नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सिलाई मैं करता हूं तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने लोग हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में, वो लोग भी सोचते हैं भाई दोहा कतर में या और जगह किस तरह सिलाई होता है मालूम नहीं है, और वहां पर बैठ करके सिर्फ सोचते हैं और सोचते हैं कि आप देखने को मिल जाए कि सिलाई किस तरह होता है, क्या काम होता है, क्या बनता है और ड्यूटी कितना मिलता है, सैलरी कितना तक मिल जाता है। एजेंट और ऑफिस वाले कुछ और बताते हैं, यहाँ आकर कुछ और आपको मिलता है। तो ये सब जानकारी अगर आपको रहेगा तो आप धोखा नहीं खाएंगे, आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हमारी कंपनी भाई एक कारीगर है, उसका फ्रेंड लेडीज़ टेलर की दुकान पे काम करता है, तो मैं उसके द्वारा गया हुआ था। और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मैं पूछा भाई कि लेडीज़ टेलर में आप क्या बनाते हो, तो भाई लेडीज़ टेलर में वहाँ पर गाउन का काम हो रहा था और मैक्सी बन रहा था। तो मैं बोला भाई इस सैलरी पे हो या पीस रेट पे, तो भाई उसने बोला कि मैं सैलरी पे हूँ। तो मैं पूछा भाई आपका सैलरी कितना है, तो उसने बताया भाई मेरा 1700 सैलरी है। और मैं बोला कि खाना किसका है, तो बोला खाना अपना है। और मैं बोला कि रूम किसका है, तो भाई बोला कि रूम कंपनी का है और टिकट एकामा वो भी कंपनी का ही है, जब हम छुट्टी जाएंगे तो टिकट एकामा कंपनी देता है। और गैस सिलेंडर और चूल्हा वूल्हा जो भी बर्तन है और रहने के लिए बिस्तर उस्तर सब कंपनी देता है, शाम को नाश्ता मिलता है कंपनी के तरफ से। तो इस तरह से लेडीज़ टेलर में सैलरी मिलता है और उससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखो, उससे ज़्यादा बहुत कम है, नहीं मिलता है दोहा कतर में। अगर कोई बोलता है कि भाई दोहा कतर में सैलरी इतना है उतना है, तो ये सब बात कहने की है। और यहाँ पर मैं हूँ, देखता हूँ, जाता हूँ, पता करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो मैं वही चीज़ बताता हूँ ना कि जो यहाँ पर हो रहा है दोहा कतर में, मैं वो चीज़ नहीं बताता कि भाई आप लोग किसी और से सुनी सुनाई बात को सुन लेंगे और जानेंगे नहीं, क्योंकि वो कतर में नहीं रहता है। कतर में अगर रहेगा तो कन्फर्म वो अच्छे तरीके से जानेगा और बताएगा। मैं कतर में रहता हूँ और जगह जगह जा करके लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और फिर आपको लोगों को बताता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ काम में सैलरी मिलेगा तो 1700 से 1800 सैलरी मिलेगा, वो भी खाना आपका रहेगा और टिकट एक हमारा कंपनी का रहेगा और ओवर टाइम जो करेंगे वो उसका मिल सकता है। तो लोग बताते हैं कि भाई मेरा 2500-2000 सैलरी है पूरा जोड़ के, जैसे ओवर टाइम का हो गया, ओवर टाइम अगर काम चलता है ना तो काम चलने के बाद जो ओवर टाइम का पैसा कमाते हैं, फिर 1700 सैलरी और प्लस ओवर टाइम जोड़ के अगर 2200-2300 हो गया ना, तो सीधा बोल देंगे 2500 सैलरी है। तो इस तरह से होता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ओवर टाइम का तो कोई भरोसा नहीं है ना भाई। ओवर टाइम आज है कल नहीं है, जब काम रहेगा तो ओवर टाइम चलेगा। तो ये सब बात है, आप लोग को जानना चाहिए। और जब भी पहली बार दोहा कतर आते हैं तो आपको ये सब जानकारी लेना चाहिए। अगर आप पहली बार दोहा कतर आ रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप उस पर सर्च करके देख सकते हैं कतर का या सऊदी का या कहीं का भी। और इससे पहले मैं सऊदी गया था और 4 साल रहा और अभी इस वक्त मैं दोहा कतर में रहता हूँ, सिलाई करता हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैं जगह जगह जा करके पता करता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। और मैं वही चीज़ बताता हूँ कि जो भाई हो सकता है और होता है, मैं आप लोग को वो चीज़ नहीं बताता हूँ कि भाई जो चीज़ नहीं है। मैं आपको बोल दूँ भाई यहाँ तो 4000-3000 सैलरी है सिलाई में, आप लोग आ जाओ और आप लोग वीजे के लिए परेशान हो जाओ, फिर आप लोग यहाँ आके परेशान हो जाओ, ये सब गलत बात आप लोग को नहीं बताता हूँ। मैं जो होता है वही सही बात बताता हूँ। और बहुत सारे भाई हमारे हैं जो पूछते हैं कि भाई आप दोहा कतर में किसी लेडीज़ शॉप का वीडियो बना के डालिए, तो भाई लेडीज़ टेलर का शॉप का वीडियो मैं आप लोग के लिए बहुत कोशिश करता हूँ और काफ़ी जगह मैं जाता हूँ, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई हमारे जितने लोग हैं देखने वाले उन लोगों के लिए वीडियो एक चाहिए और आप बनाने के लिए हमको दो। और भाई मैं बता दूं कि जब आप लोग ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग हमारे साथ हो जाएंगे, उसके बाद मैं आप जो बोलेंगे जहाँ का बोलेंगे मैं वीडियो बना के डालूँगा। और हमारे साथ आप लोग देखते हैं हमारा वीडियो तो शेयर कीजिए और दोस्तों के पास पहुँचाइए, और उसके बाद जैसे आप लोग ज़्यादा जुड़ जाएंगे उसके बाद फिर मैं आप जो बोलेंगे, आप लोग का कमेंट का मैं तो जवाब देता हूँ,
ये नहीं कि कमेंट का जवाब नहीं देता हूँ, मैं हर कमेंट का आप लोग को जवाब देता हूँ। आप जो बोलते हैं वही चीज़ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, और जिस चीज़ का आप लोग डिमांड करते हैं वही चीज़ का मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीडियो मैं आप लोग के लिए बना के डालूँ। और आप लोग जब ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद फिर आपको भी मज़ा आएगा देखने, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और जुड़िए। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी दिया हूँ, और अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो आप बिंदास हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ जा कर के मैसेज करके या कॉल करके आप बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मैं आप लोग को दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल पर परिवार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।